दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा के दूसरे पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 20 साल पहले एक मूवी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही तहलका मचाया था और इस मूवी का नाम था गदर एक प्रेम कथा। वो एक लव स्टोरी पर बेस्ड थी और ये मूवी एक हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म थी और इस मूवी में हमें स्टारकास्ट के तौर पर सनी देओल और अमीषाभ पटेल प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई दिए थे। वही सपोर्टिंग स्टार के तौर पर अमरीश पुरी, लीलेट दुबे दिखाई दिए थे। इस जबरदस्त मूवी को अनिल शर्मा द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इस मूवी को प्रोड्यूस नितिन केनी ने किया था और इस मूवी की स्टोरी शक्तिमान तलवार ने लिखी थी। इस मूवी को जी टेलीफिल्म्स के बैनर तले 15 जून 2001 को रिलीज किया गया था। गदर मूवी 1990 के बाद से एक प्रेम कथा भारत में दूसरी सबसे अधिक देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बनी थी क्योंकि इसने भारत में उस वक्त 60 करोड़ की बहुत ही बड़ी रकम की कमाई की थी। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही हद तक बुट्टा सिंह के जीवन पर आधारित थी। इस मूवी की स्टोरी भारत के विभाजन के दौरान फिल्म के एक ट्रक चालक तारा सिंह यानी कि जो सनी देओल ने किरदार निभाया था वो एक सिख की कहानी बताती है जिसे एक मुस्लिम पाकिस्तानी लड़की सकीना शक्कू अली यानी कि अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है एक कुलीन परिवार से। इस मूवी की स्टोरी पाकिस्तान में मुस्लिमों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने के साथ शुरू होती है। इस मूवी में हमें भारत पाकिस्तान के सरहद वाली लव स्टोरी देखने को मिलती है। लव स्टोरी और इनके सॉन्ग दर्शकों को बहुत ही पसंद आए थे। इनके सॉन्ग आज भी दर्शक सुनना पसंद करते हैं। इस मूवी में अमरीश पुरी ने मेयर अशरफ अली का किरदार निभाया था जो लाहौर के एक मेयर है। इसी मूवी के 20 साल के बाद उनका दूसरा पार्ट बनने जा रहा है गदर 2 मूवी एक प्रेम कथा। वो एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म रहेगी और साथ में लव स्टोरी से भरपूर रहेगी। इस मूवी में हमें सनी देओल का साथ देती हुई परिणीति चोपड़ा दिखाई देगी। इस पार्ट 2 में हमें लव स्टोरी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बार इस मूवी को 80 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस मूवी से सनी देओल फिर से हमें ट्रक चालक तारा सिंह का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस गदर पार्ट 2 में बहुत ही दमदार स्टोरी और सॉन्ग रहने वाले है। तो दोस्तों, आप भी ये लव स्टोरी से भरपूर मूवी गदर 2 देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।